नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में 4833 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन सोमवार को हेमंत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 का पहला अनुपूरक बजट पेश किया है। सत्तापक्ष और विपक्ष के भारी हंगामे के बीच वित्त मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव ने 4833.39 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया। बजट पेश करने के बाद विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने सदन को मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है। इस अनुपूरक बजट में सबसे अधिक अनुदान महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग को 1114.49 करोड़ रुपए दिया गया है। राज्य सरकार ने बीते दिनों 21 से 50 साल की महिलाओं को प्रोत्साहन राशि देने के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की है। विभाग ने योग्य महिला लाभुकों से आवेदन लेना भी शुरू कर दिया है। चर्चा है कि रक्षाबंधन तक चयनित लाभुक महिलाओं को किस्त की पहली राशि दे दी जाएगी। इसे देखते हुए पहले अनुपूरक बजट में इस विभाग को सबसे अधिक राशि आवंटित की गई है। अनुपूरक बजट में दूसरी सबसे अधिक राशि पंचायती राज विभाग को दी गई है। यह राशि 756.50 करोड़ रुपए है। स्कूली शिक्षा एवं सक्षरता विभाग को तीसरी सबसे अधिक राशि मिली है। इस अनुपूरक बजट पर मंगलवार से विभागवार चर्चा की जाएगी। झारखंड में 1932 नीति लागू नहीं होने तक 2016 की नियमावली से होगी नियुक्ति। राज्य सरकार की नौकरियों में 1932 आधारित नीति लागू होने तक 2016 की नीति पर ही नियोजन होगा। राज्य सरकार ने विधायक सुनीता चौधरी के प्रश्न के जवाब में बताया है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग कुल 47,139 और जेपीएससी 1600 पदों पर नियुक्ति कार्रवाई कर रहा है। सरकार ने बताया है कि कार्मिक प्रशासनिक व राजभाषा विभाग के 18 अप्रैल 2016 की संकल्प संख्या 3186 में झारखंड का स्थानीय निवासी की परिभाषा व पहचान निर्धारित की गई थी। संकल्प 9567 के जरिए अन्य सभी मामलों में समानता होने पर झारखंड के अस्थायी निवासियों को नियोजन में प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया था। जवाब में बताया है कि झारखंड में स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी सामाजिक संस्कृति एवं अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्ति तक वास्तविक करने के लिए विधेयक 2022 को विधानसभा के द्वारा पारित किया गया था। विधेयक राज्यपाल के द्वारा विचार्थ गृह मंत्रालय भारत सरकार को भेजा गया है। झारखंड हाई कोर्ट का आदेश पेशा नियमावली 2 माह में लागू करे। हाई कोर्ट ने झारखंड में पेशा एक्ट पर सरकार के उदासीन रवैया पर नाराजगी जताई है। साथ ही राज्य सरकार को 2 माह में पेशा नियमावली लागू करने का निर्देश दिया है। एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस एके राय की अदालत ने इससे जुड़ी कई जनहित याचिकाओं पर सोमवार को एक साथ सुनवाई करते हुए आदेश दिया। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि पेशा एक्ट बने 28 साल हो गए, आदिवासी हितों के लिए झारखंड बने 24 साल हो गए, पर नियमावली लागू नहीं हुई, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। यह मामला कोर्ट में वर्ष 2021 से लंबित है। इस दौरान अदालत ने कई निर्देश दिए पर सरकार ने नियमावली लागू नहीं की है। हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, ईडी की अर्जी खारिज। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बड़ी राहत दी है। शीर्ष अदालत ने हेमंत को हाई कोर्ट से मिली जमानत आदेश में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है और जमानत रद्द करने के लिए दायर ईडी की याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस बी आर गोवाई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा है कि हाई कोर्ट के आदेश में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अदालत यह स्पष्ट करती है कि हाई कोर्ट की एकलपीठ की टिप्पणियां जमानत से संबंधित है और वे मुकदमे या अन्य कार्यवाही में ट्रायल को प्रभावित नहीं करेगी। हाई कोर्ट का आदेश पूरी तरह तर्कपूर्ण है। विधानसभा चुनाव को लेकर अगस्त में आएगी भारत निर्वाचन आयोग की टीम। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग की टीम अगस्त में झारखंड का दौरा करेगी। इसके संकेत मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने दिया है। विधानसभा चुनाव को लेकर सोमवार को पुलिस महानिरीक्षक सह राज्य पुलिस नोडल अधिकारी सभी रेंज आईजी डीआईजी उपायुक्तों और सभी जिलों के एसएसपी और के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की गई। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों का मतदाता सूची के प्रकाशन के संबंध में विशेष रूप से निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि झारखंड विधानसभा निर्वाचन की तैयारियों की समीक्षा के लिए भारत निर्वाचन आयोग का झारखंड दौरे अगले 1 माह के अंदर संभावित है। इसके लिए सभी राज्य स्तरीय अधिकारी, जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक अपने जिला से संबंधित सभी निर्वाचन विषयों की सुव्यवस्थित तैयारी करते हुए रिपोर्ट तैयार कर लें।
सीएम हेमंत ने कहा सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि, वहां अंधकार नहीं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट को सर्वोपरि बताते हुए कहा है कि यह वो स्तंभ है जहां अंधकार नहीं है, लेकिन कुछ समूह ऐसे हैं जो न्यायालय का समय बर्बाद करते हैं। ऐसे लोग राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में काम करने और गरीबों की आवाज़ बनने वालों को अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके दबाते हैं। विरोधी दल भाजपा के आरोपों पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि ये समाज और परिवार को तोड़ने वाले लोग हैं। इनका लक्ष्य हर हाल में समाज में वैमनस्य फैलाना है। उन्होंने मानसून सत्र के दूसरे दिन सोमवार की कार्यवाही सप्ताह होने के बाद विधानसभा परिसर में पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा है कि ऐसा माहौल बनाया जा रहा था जैसे वे राज्य की संपत्ति लेकर फरार हो जाएंगे। उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। बहुत तरीके से सोरेन परिवार पर आरोप लगाए गए। उनका कीमती वक्त जाया किया गया। अगस्त में झारखंड आएंगे राहुल गांधी। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अगस्त के पहले सप्ताह में झारखंड आएंगे। वे प्रदेश कांग्रेस की ओर से विधानसभावार चुनावी यात्रा सह जनसंवाद कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। पलामू प्रमंडल या फिर दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में उनकी सभा हो सकती है। प्रदेश कांग्रेस ने राहुल गांधी को प्रस्ताव भेज दिया है। उनकी ओर से सहमति मिलने के बाद तारीख का ऐलान किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। बता दें, झारखंड विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी 81 विधानसभा सीट पर कांग्रेस की चुनावी यात्रा सह जनसंवाद कार्यक्रम प्रस्तावित है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने 2 अगस्त तक सभी जिला अध्यक्षों को प्रखंड स्तर की बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया है। झारखंड में 3 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी। झारखंड समेत रांची में सोमवार को भी मानसून सक्रिय रहा। सबसे अधिक बारिश पश्चिमी सिंहभूम के मनोहरपुर इलाके में हुई, यहां 51.2 मिलीमीटर बारिश हुई है। वहीं रांची में भी सामान्य रूप से बारिश हुई, यहां 5.2 मिलीमीटर बारिश हुई है। जबकि मौसम विभाग ने 30, 31 और 1 को रांची में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 30 जुलाई से 1 अगस्त तक येलो अलर्ट जारी किया गया है। 1 अगस्त को रांची के अलावा पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा के अलावा दक्षिणी भाग के पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावा, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी के अलावा रामगढ़ में भी भारी बारिश की चेतावनी है। जबकि इससे पहले 30-31 जुलाई को भी रांची समेत अन्य हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। जमीन माफिया कमलेश 5 दिन की ईडी रिमांड पर। रांची जमीन घोटाले में जेल में बंद जमीन माफिया कमलेश कुमार सिंह उर्फ कमलेश शर्मा से ईडी की टीम 5 दिनों तक पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। ईडी के पुलिस रिमांड के आवेदन पर सोमवार को पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के पश्चात अदालत ने 5 दिन पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की इजाज़त दी है। ईडी ने 10 दिन की मांग की थी। शुक्रवार को रात करीब 8 बजे ईडी ने पूछताछ के दौरान कमलेश सिंह को गिरफ्तार किया था। हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा कब तक पूरा होगा लैंड सर्वे। झारखंड में लैंड सर्वे का काम लंबित रहने पर सोमवार को हाई कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है और सरकार से पूछा है कि सर्वे पूरा करने में इतना विलम्ब क्यों हो रहा है। एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस एके राय की अदालत ने सरकार को 2 सप्ताह में जवाब दाखिल कर यह बताने को कहा है कि सर्वे कब पूरा होगा, किन किन जिलों में सर्वे का काम चल रहा है, सर्वे पूरा होने में और कितना समय लगेगा। सुनवाई के दौरान प्रार्थी गोकुल चंद्र की ओर से अदालत को बताया गया है कि वर्ष 1980 से झारखंड में लैंड सर्वे का काम चल रहा है। 40 वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन राज्य सरकार पूरा नहीं कर सकी है। झारखंड के 9 जिलों में 10 अगस्त से फाइलेरिया रोधी अभियान। राज्य के 9 जिलों चतरा, दुमका, गोड्डा, हजारीबाग, जामताड़ा, पलामू, लातेहार, सरायकेला एवं चाईबासा में 10 अगस्त से 25 अगस्त तक फाइलेरिया रोधी अभियान मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जाएगा। कार्यक्रम की सफलता को लेकर सोमवार को रांची के एक होटल में MDA की समीक्षा की गई। वहीं निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य डॉक्टर सीके साई ने कहा है कि यदि समुदाय के सभी लोग 5 साल तक लगातार साल में केवल 1 बार फाइलेरिया रोधी दवाओं का सेवन करें तो प्रदेश से फाइलेरिया का उन्मूलन संभव है। यह दवा गर्भवती महिलाओं, गंभीर रूप से बीमार और 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को छोड़कर सभी को खानी है। मौके पर 2 फाइलेरिया चैंपियन पूनम कुमारी एवं जतरु भोक्ता को सम्मानित भी किया गया। दोनों फाइलेरिया से ठीक हो चुके हैं। देवघर में दूसरी सोमवारी पर 2,71,000 भक्तों ने किया जलार्पण। राजकीय श्रावणी मेला 2024 की दूसरी सोमवारी पर जलार्पण करने के लिए बाबा दरबार में श्रद्धालुओं का महासमुंद्र उमड़ पड़ा। करीब 12 किलोमीटर से भी अधिक लंबी कतार नंदन पहाड़ तक पहुंच गई। रविवार आधी रात से ही कांवरिए व श्रद्धालु कतारबद्ध होने लगे थे।
प्रातः 4:02 पर बाबा मंदिर का पट खुलने के बाद पुरोहितों की ओर से कंचा जल पूजा की गई। उसके बाद सरकारी पूजा सरदार पंडा गुलाब नंद ओझा की ओर से की गई। इसके बाद कंवरियों और भक्तों की ओर से अर्घास से जल अर्पण शुरू हो गया। कंवरियों की कतार रविवार रात्रि से ही लग रही थी। राज्य कर्मियों को संतान शिक्षा भत्ता देगी झारखंड सरकार। राज्य सरकार राज्य कर्मियों को केंद्र एवं अन्य राज्य कर्मियों की तरह संतान शिक्षा भत्ता देने पर विचार कर रही है। इसे लेकर राज्य सरकार ने उन राज्यों के वित्त विभाग से आदेश या नियम की जानकारी मांगी है जहां इसे लागू किया गया है। प्रभारी मंत्री वैद्यनाथ राम ने यह जानकारी विधायक भूषण तिर्की के सवाल के जवाब के रूप में दी है। उन्होंने बताया है कि 6वें केंद्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में वर्ष 2008 में केंद्रीय कर्मियों को अधिकतम 2 संतान के लिए संतान शिक्षा भत्ता प्रति माह 1,000 रुपये स्वीकृत किया गया था। वर्तमान में इसे बढ़ाकर 2,250 रुपये कर दिया गया है। झारखंड के प्रारंभिक स्कूलों में 3500 पदों पर बहाल होंगे शिक्षक। झारखंड के प्रारंभिक स्कूलों में रिक्त पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सभी जिलों में 1 अगस्त को काउंसिलिंग होगी। इसमें वे उम्मीदवार ही शामिल हो सकेंगे जो 2015-16 में शिक्षक नियुक्ति में शामिल हुए थे। बता दें किसी कारण से अंतिम राउंड की काउंसिलिंग तक उनका चयन नहीं हो पाया था। ऐसे करीब 3500 रिक्तियों पर बहाल होगी। झारखंड हाई कोर्ट के फैसले के बाद स्कूली शिक्षा व स्वच्छता विभाग ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि वे उक्त सभी उम्मीदवारों के दस्तावेजों के आधार पर काउंसलिंग करें। 1 अगस्त को जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय में काउंसलिंग होगी। झारखंड में राष्ट्रपति शासन की मांग निशिकांत दुबे। लोकसभा में सोमवार को विपक्ष का हंगामा जारी रहा। इसी बीच बीजेपी के एक सांसद ने झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया है कि गत 27 जुलाई को झारखंड के पाकुड़ में कुछ आदिवासी छात्र अपनी समस्याओं को लेकर आंदोलन करना चाह रहे थे, लेकिन राज्य पुलिस ने छात्रावासों में छात्रों को बर्बरतापूर्वक तरीके से पीटा है। उन्होंने दावा किया है कि पुलिस की पिटाई के बाद 2 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जबकि 11 अन्य छात्र विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं। घायलों की हालात भी बहुत गंभीर बनी हुई है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने घटना का संज्ञान भी लिया है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार बांग्लादेशियों को बसाने के लिए आदिवासियों को बर्बाद कर रही है। झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाए जाए। धन्यवाद।